हाँ बच्चों, तो आज देखिए हम लोग देखेंगे कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया क्या होता है कि ऐसा एल्डिहाइड जिसमें सी एच ओ समूह हो और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो और अल्फा हाइड्रोजन उसमें उपस्थित ना रहे और कास्टिक क्षार मतलब KOH या NaOH के 50% विलयन के साथ ये अभिक्रिया करता है। तो कैनिजारो अभिक्रिया वह अभिक्रिया होता है जिसमें फॉर्मल्डिहाइड है कैनिजारो अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होता है जिसमें एल्डिहाइड का अणु हो मतलब CHO समूह हो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन न उपस्थित रहे वह 50% NaOH विलयन या 50% सांद्रता के KOH विलयन के साथ क्रिया करता है। क्रिया करने के बाद ये इसमें होता क्या है कि इसमें एल्कोहल का फॉर्मल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल में अपचयित होता है और दूसरा जो है एसिड में ऑक्सीकृत होता है। तो ये होता है आपका मेथिल एल्कोहल और ये होता है सोडियम फार्मेट। मतलब कैनिजारो अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें एल्डिहाइड हो और एल्डिहाइड के साथ अल्फा हाइड्रोजन न रहे वह 50% सांद्रता के NaOH या KOH के साथ अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करने के बाद जो एक फॉर्मल्डिहाइड का अणु होता है जो अल्कोहल में अपचयित होता है और दूसरा जो होता है एसिड में ऑक्सीकृत होता है। तो फॉर्मल्डिहाइड में ये NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये KOH है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया होगा तो मेथिल एल्कोहल और पोटेशियम फार्मेट बनता है। पोटेशियम फार्मेट बनता है और दूसरा जो है वो आपका अगर बेंजल्डिहाइड है बेंजल्डिहाइड अभिक्रिया करता है या 50% NaOH के विलयन के साथ तो ये एक बेंजील एल्कोहल बनता है। बेंजील एल्कोहल और दूसरा बनता है सोडियम बेंजोएट। अगर यही KOH से अभिक्रिया करेगा तो पोटेशियम बेंजोएट बनेगा। मतलब कैनिजारो अभिक्रिया वह अभिक्रिया होता है जिसमें एल्डिहाइड का अणु एल्डिहाइड के दो अणु जिसमें अल्फा हाइड्रोजन न उपस्थित रहे और वो बनाता है वो आपका एक अणु एल्कोहल बनाएगा और दूसरा अणु जो है एसिड बनाता है। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है कैनिजारो अभिक्रिया। इसी में एक तो क्रॉस कैनिजारो होता है। क्या होता है क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया? क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया में जो दोनों अणु समान है दूठ हो जाएगा अलग अलग एलिफैटिक का एल्डिहाइड और एरोमेटिक का एल्डिहाइड। अगर हम इसको C6H5CHO रखें और एक ठो लिख दें HCHO इसका अभिक्रिया NaOH से कराएं तो ये आपका बनता है C6H5CH2OH+HCOONa का निर्माण करता है। तो मतलब अगर यह है बेंजल्डिहाइड और यह है आपका फॉर्मल्डिहाइड। मतलब क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया वह अभिक्रिया होगा जिसमें दो एल्डिहाइड लिया जाएगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन न रहे अल्फा हाइड्रोजन उसमें न रहे लेकिन एक एरी एक एल ए एरोमेटिक का एल्डिहाइड हो और एक एलिफैटिक का एल्डिहाइड हो तो उसे कहा जाता है
क्रास कैनिजारो अपक्रिया। और सामान्य कैनिजारो अपक्रिया में दोनों अणु, चाहे एलिफैटिक का एल्डिहाइड हो चाहे एरोमेटिक का एल्डिहाइड हो, दोनों सेम रहेगा। जैसा कि ये दोनों आपका एलिफैटिक है और ये दोनों क्या है, एरोमेटिक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड हो गया। जबकि इसमें क्रॉस कैनिजारो में एक एलिफैटिक का एल्डिहाइड होगा और एक तो एरोमेटिक का एल्डिहाइड होगा। इस प्रक्रिया को कहा जाएगा क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया।